हेलो फ्रेंड्स, अभी समर सीजन और साथ में छुट्टी एंड लॉकडाउन भी चल रहा है। समर सीजन में शेक और ड्रिंक्स पीना सबको पसंद होता है। आज हम चार टाइप्स के शेक बनाएंगे। ये मैंगो शेक है, ये एप्पल शेक है, ये बनाना शेक यानी ड्राई फ्रूट शेक है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने आम लिया पका हुआ चॉप्ड मैंगो शेक के लिए, ये मैंने बनाना लिया है वन बनाना शेक के लिए, ये मैंने तीन तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ड्राई फ्रूट शेक के लिए, ये अंजीर है जो मैंने सात लिए हैं, ये 10 से 15 काजू लिए हैं, ये मैंने 10 से 15 बादाम लिए हैं। सबको मैंने 1 घंटा के लिए सॉक कर दिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। और ये मैंने एप्पल लिया है एप्पल शेक के लिए, और ये शुगर है सबके लिए, और ये मैंने हनी लिया है, और ये मैंने मिल्क लिया है 1 शेक के लिए 3/4, ये आइस लिए आइस क्यूब, ये मैंने गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये शुगर हनी आइस क्यूब दूध, ये गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स सारे कॉमन है चारों शेक के लिए। अब हम मैंगो शेक बनाएंगे। पहले मैंगो चॉप इसमें जार में डाल देंगे। अभी मैं शुगर 2 टेबल स्पून डालूं, इसमें मैं 3/4 मिल्क लिया है, इसमें हाफ डालेंगे। पहले इसमें चला लेंगे फिर डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे मिक्सर ऑन, मैंने 2 मिनट चला लिया है। अब इसमें बाकी आइटम है जो ऐड करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर देंगे, और हम आइस क्यूब ऐड कर देंगे, और जो बचा हुआ मिल्क था उसको भी हम ऐड कर देंगे, और हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे। अभी शेक को हम ग्लास में डाल लेते हैं, फिर दूसरा शेक बनाएंगे। नेक्स्ट हम अब बनाना शेक बनाएंगे, और बनाना शेक को हम जार में बनाना को डाल दें, और इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप अगर जैसा मीठा पीना चाहते हैं वैसा डाल सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे फिर मिक्स करेंगे। अब बनाना शेक मिक्स कर देंगे, मिक्स हो चुका है, और बाकी जो बचा है वो भी सेम प्रोसेस में डाल देंगे। इसे हम 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे, हम इसमें 2 आइसक्रीम डालेंगे, जो बचा हुआ दूध है वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर से हम मिक्सर में मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अब हम एप्पल शेक बनाएंगे। एप्पल इसमें डाल देते हैं, और हम इसे शुगर डालते हैं। शुगर भी अपने मीठा के अनुसार से डालें, 2 चम्मच 1 चम्मच जितने भी डालना है, और हम इसे दूध डाल देते हैं। हम ऐसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बचा हुआ जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देते हैं। इसमें भी हम 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे, आइस क्यूब, और फिर जो मिल्क बचा हुआ वो हम डाल देंगे, और फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट शेक बनाएंगे, और इसमें हम अंजीर काजू बादाम डाल देंगे। आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट्स है उसे भी डाल सकते हैं। इसमें भी हम 2 टेबल स्पून शुगर डालेंगे, और हम इसमें दूध डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे भी मिक्स कर देते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। इसमें भी हनी डालते हैं, ये ऑप्शनल है, आपको मर्जी है तो डाल सकते हैं। और इसमें आइस क्यूब,
हुआ मिल्क भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब सबको फिर से मिक्स करते हैं। इसे अब हम सर्व करते हैं। अब हम इसे गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी से। और ये बहुत ही देखते हैं कितना यम्मी लग रहा है और ये बहुत ही हेल्दी है। अब देख रहे हैं ये कितना अच्छा बना है। आप इसे एक बार घर में ट्राई करें। कुछ बच्चे हैं जो फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए से एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे हो तो मेरे दिए गए लिंक पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कैसा है।